हेलो, गुड मॉर्निंग. आई एम तबरेज अख्तर. दिस इज़ योर मैथ्स क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज 13.3. 13.3 में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है. एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब क्या होता है? ये सेकेंड क्लास से आपको पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, सेकेंड या थर्ड क्लास से. ठीक है, 2,79,404 लिखा है, इसको एक्सपेंड करना है. तो सबसे पहले 2 लाख ऐसे लिखोगे, 2 लाख. ठीक है, प्लस फिर यहाँ क्या है, 79,000 है ना, तो इस 7 को लिखो और उसके बाद कितने जीरो लगाओ, जितने उसके पीछे नंबर हैं, 1, 2, 3 और ये 4, 4 नंबर हैं, 4 जीरो है, यानी 70,000 प्लस 9 लिखो, उसके पीछे 3 जीरो लगाओ क्योंकि 9 के बाद 3 नंबर हैं. नाइन थाउजेंड. ठीक है, फिर उसके बाद 4 लिखो, 4 के पीछे 2 नंबर लगाओ, यानी 400 प्लस 00 प्लस लास्ट में बचेगा 4. ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म. इसमें ज़्यादा कुछ बताने की खास ज़रूरत तो है नहीं. देखो आंसर, 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 9,000 प्लस 400 प्लस 00 प्लस 4, इसका आंसर हो गया. इसका आंसर देखो अब. ठीक है, एक मिनट. उसके बाद फर्दर अगर हम चाहें तो इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं. जैसे 2 लाख है तो 2 लाख में से 2 निकाल दिए, अलग कर दिए और मल्टीप्लाई में 1 लाख लिख दिए. ठीक है, यानी इसका 2 अलग कर देंगे तो ये बचेगा 1 लाख, और इसी तरीके से इसका 7 अलग कर देंगे तो ये बचेगा 10,000, इसका 9 अलग कर देंगे तो ये बचेगा 1,000, इसका 4 अलग कर देंगे, इसका यहाँ इस तरफ बचेगा, मल्टीप्लाई में बचेगा 100, यहाँ 0 है तो 0 इंटू 10 और 1 इंटू 4 और इंटू 1. तो ये ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई? ये वंस है, ये पहली वंस डिजिट कहलाती है, इसीलिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई. ये दूसरी वाली टेंस डिजिट कहलाती है, तो ये 10 का मल्टीप्लाई. ये 100 कहलाता है, ये 1,000 कहलाता है, ये 10,000 कहलाता है और ये लाख कहलाता है, इसीलिए लाख का मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ 2 लगा था. तो 2 लाख को लिखने के लिए हमें 1,00,002 लिखना पड़ता है. ठीक है, और भी इसके आगे क्या कर सकते हैं? 2 को लिखे रहने दो. 1 लाख को हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 की पावर 5. अच्छा, 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2. क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो है. 1,000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3. क्यों? क्योंकि 1,000 में 3 जीरो है. इसी तरीके से 1 लाख में जितने भी जीरो होंगे, 10 की पावर उतनी ही होगी, 10 पावर 5. 7 इंटू 10 की पावर 4, 9 इंटू 10 की पावर 3, 4 इंटू 10 की पावर 2. ठीक है, और ये होता है आपका 0 इंटू 10 की पावर 1, और लास्ट में बचेगा 4 इंटू 10 की पावर 0 करेंगे. 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? जहाँ पे भी पावर 0 लिखी हो किसी भी नंबर पे, तो उसकी उसका मतलब होता है 1. तो यहाँ 1 लिखा है ना 4 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 10 की पावर 0 का ही मतलब तो 1 होता है, इसलिए यहाँ 10 की पावर 0 लिख देंगे. तो इस तरीके से हमें 3 स्टेप में अब ये क्वेश्चन करने हैं. सबसे पहले तो एक्सपेंड करना है. एक्सपेंड करने का बहुत आसान तरीका है कि भाई सबसे पहले ये जैसे नंबर दिया है तो सबसे पहले 3 लिखो, 3 के बाद 0 लगा दो. कितने जीरो? जितने उसके पीछे नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं तो 6 जीरो लगा दो. ये देखो 6 जीरो. फिर उसके बाद 0 है, 0 के बाद जितने भी जीरो लगाओगे 0 तो 0 ही कहलाएगा. फिर उसके बाद भी 0 है, उसके बाद 6 है, 6 के बाद 3 जीरो लगेगा क्योंकि 6 के बाद 3 नंबर है. इस तरीके से 1 के बाद 2 जीरो लगेंगे क्योंकि 1 के पीछे 2 नंबर है, 9 के बाद 1 जीरो और 4 के बाद कोई भी जीरो नहीं. ठीक है,
उसके बाद इसको मैं वन के फॉर्म में लिख लूँगा, यानी वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड इस तरह के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूँगा, इसका तीन अलग करूँगा, बाकी बचा 1 लाख, नहीं 30 लाख है ना, 10 लाख बचा, फिर जीरो बचा, 0 × 1 लाख, 0 × 10,000, 0 × 1, 6 × 1,000, 1 × 100, ऐसे जीरो एक एक कम होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दूसरे वाले में, जितने जीरो उतनी पावर, 10 की पावर 6, जितने जीरो उतनी पावर, 10 की पावर 5, 4, 3, 2, 1, 0, ऐसे भी पावर घटती जाएगी, बस यही करना है सब में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स, इसको एक्सपेंड करना है, यही जैसे कि अभी किया था उसका उल्टा करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है तो आप अपनी समझ से बताइए कि 8 × 10 की पावर 4 दिया है, तो सबसे पहली स्टेप क्या हो सकती है, इसको खोलो, ये क्या होगा, पावर 4 है तो 4 जीरो लगाओ, लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसी तरीके से फिर ये भी दिया है, इसको भी खोलूँगा, 6 × 1,000, 0 × 100, 4 × 10, 5 × 1, इस तरीके से खोल दूँगा सारे नंबर, यानी पावर खोल दूँगा सबकी, तो ये बन जाएगा, ये बनने के बाद मल्टीप्लाई कर दूँगा इनका, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 80,000 होगा, इसका इसके साथ तो 6,000, इसका जीरो के साथ तो जीरो का जीरो होगा, 4 × 10 40 होगा, 5 × 1 5 होगा, तो ये बन जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, आंसर मिल जाएगा 86,045, कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 × 10 की पावर 5, 2 × 10 की पावर 2, 3 × 10 की पावर 1, सबसे पहले 10 की पावर्स को ओपन कीजिए, इसको ओपन करेंगे तो 10 की पावर 5 है यानी 1 लाख आएगा, फिर सीधे 10 की पावर 2 है ना, ए 2 × 10 की पावर 2 है, तो एक बात बताओ कि अगर हम इसका सीक्वेंस बना के लिखें तो हमें ये पता चल रहा है कि 10 की पावर 5 से डायरेक्ट 10 की पावर 2 में आ गया, इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 4 जीरो है, 10 की पावर 3 भी जीरो है, इसीलिए वो सीधे 10 की पावर 2 में पहुंच गया। तो मैं 10 की पावर 3 में जीरो का मल्टीप्लाई कर लूँ, 10 की पावर 4 में भी जीरो का मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि वो जीरो है, इसीलिए तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना, तो ये मैंने कर दिया 0 × 10 की पावर 4 यानी 10,000, 0 × 10 की पावर 3 यानी 1,000, अगर ना भी लिखूँगा तो भी आपको डायरेक्ट यहीं से आके लिख देना है, बात वही है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9 लाख, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 × 10 की पावर 2 ना, तो ये 200 मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 की पावर 1 है तो 10, 3 × 10, 30 मिल जाएगा, यानी आपको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी, आप ऐड करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अगर बीच के कोई भी स्टेप नहीं दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आंसर आएगा, अगर आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई करके अच्छी सी प्रोसेस बना के लिखेंगे तो भी आपको वही आंसर आएगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, पहले देखिए कि कौन सा ये नंबर क्या लिखा है, 5 करोड़ लिखा हुआ है क्या, चलो हो गया करोड़ लिखा या लाख लिखा उससे कोई मतलब नहीं, अपन को क्या करना है, 5 अलग करना है, इनटू में जितने जीरो हैं वो 1 के साथ लगा देने हैं, ठीक है। 2 2 4 4 3 7, 7 जीरो हैं, यही 7 जीरो मैंने 1 के साथ लगा दिया, ठीक है, ये चीज़ तो अभी करे है ना। अब 5 ×
सात जीरो है यानी 10 की पावर 7, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ होगा 7 × 10 की पावर 6, जितने जीरो उतने 10 की पावर। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, अब इसको करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। ठीक है, तो क्योंकि ये बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि हमें सिर्फ वंस ही वंस तक के ही नंबर लेने हैं लेफ्ट साइड में, और उसके साइड में बाकी जो है वो आपकी पावर में रहेगा, 10 की पावर में रहेगा या 100 की पावर में या 10 की पावर में रहेगा, और नंबर जो है वो आपका सिर्फ यहाँ वंस तक भी रहेगा, यानी सिर्फ एक ही डिजिट का नंबर रहना चाहिए। देखो कंडीशन यही होती है, इसका इसका मतलब क्या होता है समझो, यहाँ क्वेश्चन जो भी दिया था ठीक है, उसको मैंने तोड़ा किस फॉर्म में, सिर्फ 5 को अलग किया, सिर्फ 5 को यानी एक ही डिजिट है उसको अलग किया, बाकी सबको 10 के फॉर्म में लिखा है ना, यानी 1 के बाद 0 के फॉर्म में लिखा, यहाँ पे भी सिर्फ 7 को अलग किया। अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सारे क्वेश्चन में सिर्फ 3 को अलग करना पड़ेगा, सिर्फ 3 को अलग करना पड़ेगा और बाकी सबको 10 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक है, यहाँ पे तो 7 के बाद सारे 0 थे तो यहाँ आसानी से बन गया, अब यहाँ 3 के बाद सारे 0 नहीं है तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सिर्फ 3 ही अलग से लिखना है, बाकी सबको 10 के फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि जितने 0 हैं उसको अलग से 10 के फॉर्म में लिख लो, यानी 1 1 फॉलोड बाय 0 के फॉर्म में लिख लो, तो कितने 0 हैं, 5 0 हैं, तो इसको मैं अलग कर लूँगा, अलग कर लूँगा, ये बन जाएगा हमारा 1 लाख × 1 लाख। ठीक, ये हो गया अपना। अब इसके बाद क्या करूँगा कि अब मैं इसके अंदर भी घुसना चाहता हूँ, यानी 3 1 8 6 5, ये एक क्वेश्चन है, सॉरी ये एक नंबर है, अगर मैं उससे मैं इससे भी 10 के फॉर्म निकालना चाहता हूँ, 10 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो एक बात याद रखे हो आप क्लास 6 से कि जिसमें कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट सबसे आखिरी में होता है, तो इसका पॉइंट को मैं कहाँ तक घुसाने वाला हूँ, कहाँ तक ले जाने वाला हूँ, यहाँ तक, यानी 3 के जस्ट बाद में, यही करना है ना मुझे, 3 अलग करना है बाकी सब 10 के फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसके पॉइंट को यहाँ तक ले आने वाला हूँ, यानी 3 के जस्ट बाद तक। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने नंबर को की छलांग लगाना पड़ेगा, कितने नंबर को क्रॉस करके वहाँ तक जाना पड़ेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर है, इसका मतलब × 10 की पावर 4 बाहर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और मेरा पॉइंट जो है वो 3 के बाद लग जाएगा, यहाँ से मुझे 10 की पावर 4 और मिल गया, और मैंने पॉइंट भी सिंगल डिजिट के बाद पहुँचा दिया, जैसे कि मुझे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 10,000, क्या होता है, 10,000। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक 10,000 और बाहर निकाल दिया, और पहले से मेरे एक 10,000 निकाला हुआ था जो कि ये है, तो दो बार 10,000 निकला, यानी टोटल 10 के बाद यानी 1 के बाद कितने 0 हैं, टोटल कितने 0 हैं 1 के बाद, चाहे इसके वो हों चाहे उसके हों, सब के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 0 हैं, तो यानी पहले ये लिखेंगे 3.1865 × 10 पावर 9। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि हमें सिंगल डिजिट एक तरफ लेना होता है और दूसरी तरफ पूरी पावर के फॉर्म में लिखना होता है, तो जहाँ पे इस टाइप के नंबर होते हैं, यानी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पॉइंट का खसकाना पड़ता है, और जहाँ इस टाइप की वैल्यूज़ होती है, यानी सिर्फ एक ही डिजिट लिखी हो उसके बाद सारे 0 हों, एक ही डिजिट लिखी हो उसके बाद सारे 0 हों,
उसमें हमें पॉइंट पॉइंट का कोई लेना देना नहीं रहता, बहुत इजीली हम उसको कर सकते हैं, है ना। तो बस हमको यही ध्यान देना है कि अब इन सारे क्वेश्चंस में पहले लास्ट के जीरो हमें पहले अलग कर लेना है, यानी 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5 0 है ना, इसका मतलब 10 की पावर 5 अलग हो जाएगा। अब ये बचेगा तो इसमें से पॉइंट जो है आखिरी में है, तो वो पॉइंट को यहाँ खसका के लाएंगे, तो फिर 10 की पावर 4 फिर बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है, तो इसके लास्ट में तो कोई जीरो नहीं है, इसका मतलब पॉइंट का खेल यहाँ पे पहले ही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 की पावर निकालने के लिए अभी पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट सीधे यहाँ डालना पड़ेगा। तो कितने 10 की पावर निकलेंगी, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, ठीक है, और पॉइंट यहाँ लग गया, ठीक है। तो 3.90878 × 10 की पावर 5 हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये डायरेक्टली भी किया जा सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉइंट इधर है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ से सीधे यहाँ ले जाना है, तो कितने डिजिट को क्रॉस करना पड़ेगा, 3 डिजिट को, तो यहाँ पे आएगा × 10 की पावर 3। ये देखो, समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो क्वेश्चन में जो नंबर दिए हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस मीटर, ठीक है। हमारे अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस जो लिखी है ये लिखी है, ठीक है, 38 करोड़ कुछ, है ना, 40 लाख ऐसे करके मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास ये अर्थ एंड मून की ये हमारे वैल्यू दी है, डिस्टेंस की वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इसके जीरो को अलग करके 10 की पावर में कन्वर्ट कर दूं। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर 6, तो × 384, 384 × 10 की पावर 6, पहले हमने ये कर लिया। अब 384 को भी मुझे चेंज करना है 3.84 में, क्योंकि मैं सिर्फ एक डिजिट ले सकता हूँ ना इस साइड पे, उसके बाद मैं पॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे 2 10 की पावर और निकलेंगे, क्योंकि हमारे 3 के बाद 2 डिजिट और है, तो 3.84 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर 6। अब ये 2 बार 10 की पावर है, यानी 10 की पावर 6 और 10 की पावर 2, चाहो तो इसको खोल के लिख लोगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 6 में, यानी 1 में 1 के बाद 10 जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे, 6 और 2 जीरो इसके पास, तो टोटल कितने जीरो हो गए, 8 जीरो, तो 3.84 × 10 की पावर 8 आंसर आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3, ये भी 30 करोड़ के आसपास मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसको मैं 3 × सीधे सीधे इसके जितने जीरो लगे हैं उसको मैं अलग से 1 के बाद लिख के अलग कर लूँगा, और जितने जीरो मतलब उतनी पावर, सीधा है ये आंसर है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायमीटर ऑफ अर्थ को जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये होता है 1.2756 × 10 की पावर 7, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ इसलिए की जाती है, इस फॉर्म में क्यों किया जाता है बेटा, इस फॉर्म में करने का मतलब यही है कि इतने बड़े डिजिट को, इतनी बड़ी वैल्यू को, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी बहुत वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को हमको लिखने के लिए उसका कोई शॉर्ट फॉर्म चाहिए, जिससे हम उसको लिख भी सकें, रिप्रेजेंट भी कर सकें और लोग समझ भी सके, ठीक है।
तो इसीलिए देखो, अब इतनी बड़ी वैल्यू को मैं छोटी सी वैल्यू बना के लिख दिया, 3 × 10^8। अगर 3 के बाद 50 जीरो होते, कितने जीरो, 3 के बाद अगर 50 जीरो होते, तो अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना नहीं आता स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक बात बताओ, जहाँ जहाँ पे भी मुझे ये नंबर को लिखना पड़ता, यानी 3 के बाद 50 जीरो, तो मुझे तो इतना लिखने में ही टाइम लग जाता है ना। अगर मैं 3 के बाद जो 50 जीरो हैं, यानी ऐसी इतनी बड़ी वैल्यू को मैं अगर 3 × 10^50 लिख दिया जाए, तो क्या मेरा टाइम बच गया? मैं इजीली 1 सेकेंड के अंदर अंदर मैंने इतनी बड़ी वैल्यू लिख दी, 3 × 10^50। ठीक है, तो ये होता है हमारे इसको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने का मतलब। और इसका बहुत सारा यूज़ होता है, बहुत सारी वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट है इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी इसकी वैल्यू है, डायमीटर ऑफ अर्थ है, ठीक है, डायमीटर ऑफ सन है, इस तरीके से डायमीटर ऑफ अगर जुपिटर निकाला जाए तो इस तरीके से, या फिर यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उनके मेज़रमेंट की जाए, तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ आती है। ठीक है, इसको हमको इसको छोटा करना ज़रूरी है। इस तरीके से डायमीटर ऑफ सन भी दिया हुआ है, देखो इतनी बड़ी वैल्यूज़ है, क्योंकि बार बार लिखने में गलतियाँ हो सकती हैं, इसीलिए इसको छोटा करने का तरीका है 1.4 × 10^9, ठीक है, मीटर। ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन है, मतलब सेम सेम है ये। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना कि जिससे आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ कहाँ होता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे एवरेज ऑफ स्टार्स, स्टार्स का एवरेज क्या है, एवरेज स्टार्स कितने, 1 × 10^11। ठीक है, ईयर्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कितने साल का हो गया, 1.2 × 10^10, है ना, इतना साल का हो गया। अगर इसको पढ़ना चाहोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर हम इंडियन सिस्टम में पढ़ना चाहें, बारह अरब के आसपास ये लिखा हुआ है। ठीक है, 12 अरब के आसपास लिखा हो सकता है, अगर काउंटिंग को छूट गई हो तो वो बात अलग है। ठीक है, इस तरीके से द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द डिस्ट, अच्छा ये, अच्छा मैं आपको क्वेश्चन तो आप कर लोगे, बहुत इजी है। ईयर्स ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स जो है हमारा, यूनिवर्स को कितना साल हो गए, ये एक एस्टिमेशन है ये, 1.2 × 10^10। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी है, यानी जो गैलेक्सी हमारी है, गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, ये है गैलेक्सी, मान लो हमारी गैलेक्सी है, उसका नाम है मिल्की वे। अब उस मिल्की वे गैलेक्सी का एक सेंटर है, मान लो ये सेंटर है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे, तो मिल्की वे का सेंटर ये है, और हमारा सन अगर यहाँ पे है और हमारा सोलर सिस्टम अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये इतनी दूरी जो है वो कितनी है, ये हमारे पास दी हुई है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो देखो, अभी तो ये बहुत छोटी चीज़ है यूनिवर्स के मामले में, सिर्फ सन और मिल्की वे के सेंटर की डिस्टेंस है जो कि इतनी बड़ी है, तो अभी तो इससे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं जो कि लिखी जाती हैं। देखो इतनी बड़ी है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, जितने जीरो हैं उतने जीरो काउंट कर लो। कितने जीरो हैं भाई, काउंट कर लो, 20 जीरो हैं। ठीक, मतलब 10^20 लिख दिया जाए, 3 × 10^20 लिख दिया जाए मीटर में। ठीक है, मीटर में दिया है ना, मीटर में। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम। ठीक है, अब कोई ड्रॉप ऑफ वाटर है जिसका वेट है 1.8 ग्राम, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। ठीक है, ये अब बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, इतने कितने इतने। ठीक है, अब इतने होते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो जीरो लगे हैं आखिरी में उसके जीरो हमको गिन लेना है। ठीक है, तो वो जीरो गिनने के बाद हमको उसी पावर में हमको 10 में लिख देना है,
यानी ये हो जाएगा 10 की पावर 19, ठीक है, ये हो जाएगा 10 की पावर 19। उसके बाद यहाँ से भी कुछ जीरो निकलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्यों जीरो लिखेंगे, 0622 6023 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लास्ट में पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट को अंदर डालेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो और निकलेंगे, यानी 1000, यानी 10 की पावर 3 और निकलेगी। तो ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 19 है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 10 की पावर 22, ठीक, समझ आ रही बात। अर्थ हैज सी वाटर, कितना पानी है उसका ये मेज़रमेंट दिया है, यानी वैल्यू दी है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की वैल्यू दी है, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और ये आपका